हमको तो वो सारी चीजें। चलो स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग टिप्स, ये सबसे बढ़िया हुआ है। सबसे पहला है नो योर ऑडियंस, के मैं शुरू से एक ही चीज बोल रहा है कि भैया जो आपका टारगेट कस्टमर है, ऑडियंस मतलब जो आपको सुनने वाला है, तो आपके ऑडियंस को आप समझ जाओ। जैसे आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हो, तो मुझे बताया गया था कि इनको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही जितनी भी एग्जाम्पल है उसी की बात करना है, या इनको मार्केटिंग में उसी के बारे में बताना। तो मैं एग्जाम्पल जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं वैसे वैसे ही कर रहा हूँ कि लगभग इसके आसपास, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो नो योर ऑडियंस, कि भैया जो बात सुन रहे हैं वो कौन है, वो क्या चाहते हैं। अगर मान लो आप बंगले वाले नहीं है, ठीक है, आपके पास में कोई बंगले वाला का नंबर नहीं है, पर आप ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहाँ पर बंगले वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, तो टारगेट उसका डबल दो, तब जाके वो काम जो है उतना होगा जितना आप सोच के रहे। अगर आप सोच रहे हो कि इसको कम से कम 5 लाख का काम करना चाहिए, तो आप बोलोगे 10 लाख का काम चाहिए, 17 लाख का काम चाहिए, तो क्या करेगा, रोते गाते इस महीने 80,000 का, किसी सप्ताह 80,000, किसी सप्ताह 1 लाख, किसी सप्ताह 1,10,000, ऐसे करके आपका 4-4.5 का काम पूरा करते देगा। और आप किसी चीज का ही रहोगे कि ठीक है, मैं 5-4 का और 5-4। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, हाँ सबसे बड़ी चीज, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, जो आपके अभी तक व्यापार, जो आपके माल खरीद रहे हैं, उसकी पावर समझो। नहीं तो बहुत सी बार क्या होता है, हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमको लगता है ये 5,000 का माल ले रहा है, 5,000 का ही लेगा, जबकि उसकी कैपेसिटी वो 2 लाख का माल ले सकता है, पर हमने उसको एस्टिमेट नहीं जमा था, उसको कभी वही नहीं किया। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसकी औकात भी 2,000 की और हमने उसको 20,000 का माल दे दिया, अब उसके बाद में वो उधार आपको जाते पैसा तो 1,000 ही।